अगर आपसे ये कहा जाए कि आप महंगी गाड़ी या लग्जरी कार पर बुलडोजर चलवा दें तो क्या आप ऐसा करेंगे? शायद नहीं। लेकिन फिलीपींस में कुछ ऐसा ही हुआ, यहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 76 लग्जरी गाड़ियों पर बुलडोजर चलवाया गया। लेकिन क्यों, आइए देखते हैं। करोड़ की गाड़ियों पर चला बुलडोजर। छिहत्तर लग्जरी कारों और मोटरसाइकिल का निकला कचूमर। ये नजारा फिलीपींस के कागायन प्रांत का है, जहां एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों को कबाड़ में बदल दिया गया। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते के आदेश पर किया गया। ऐसा क्यों हुआ हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए किस तरह कतार में खड़ा कर करोड़ों रुपए मिट्टी में मिला दिए गए। वैसे तो फिलीपींस के राष्ट्रपति अपने अटपटे बयानों की वजह से चर्चा में आते रहते हैं, लेकिन इस बार उनके आदेश ने ही उनको चर्चा का विषय बना दिया है। उन्होंने 76 लग्जरी गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर बुलडोजर चलवाने का निर्देश दे दिया। बस फिर क्या, एक नहीं दो नहीं पूरे 3 बुलडोजर के साथ इन गाड़ियों का कचूमर निकाला गया। तस्वीरें देखिए, इतनी महंगी गाड़ियों को कितनी बेदर्दी के साथ कबाड़ बनाया जा रहा है, इसे देखकर किसी की भी सांसें रुक जाए। हैरानी की बात तो ये रही कि इन गाड़ियों के नष्ट होने के समय खुद राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते मौजूद रहे। सफेद टी शर्ट पहने बीच में बैठे ये शख्स फिलीपींस के राष्ट्रपति ही हैं, जिन्होंने 37 करोड़ की गाड़ियों को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इन गाड़ियों में ऐसा क्या था कि खुद राष्ट्रपति इनकी तबाही देखने मौजूद थे। दरअसल फिलीपींस सरकार का कहना है कि ये सभी गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से फिलीपींस पहुंचाई गई थी, इससे इनके जरिए तस्करी को बढ़ावा मिल सकता था। यही वजह रही कि एजेंसियों ने जिन 76 गाड़ियों को जब्त किया था उनको सार्वजनिक तौर पर बुलडोजर से नष्ट किया गया। जिन 76 गाड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया है उनमें पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कारें मौजूद थी। साथ ही लग्जरी बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन की बाइक भी शामिल थी। फिलीपींस सरकार के मुताबिक जिन गाड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया है वो सभी उन 800 वाहनों का हिस्सा थी जिन्हें देश में गैरकानूनी तरीके से लाया गया था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने इस तरह के हैरतअंगेज निर्देश दिए हों। इससे पहले भी करोड़ों की गाड़ियों पर बुलडोजर चलवा चुके हैं। फिलहाल इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरत में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।